फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे के भजिए, एकदम न्यू डिश है। आपने तो बेसन के पकोड़े बहुत ही खाए होंगे, पर चावल के पकोड़े शायद ही खाए होंगे। तो चलिए आज मैं चावल के पकोड़े आपको बना करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को लिया हुआ है जिसे मैंने काट दिया है टुकड़ों में, और धनिया को पत्ती ली हूँ मैं। यहाँ ली प्याज और नमक अपने टेस्ट के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया। अगर आप मिर्च कम खाते हो, कम तीखा पसंद है, तो लाल मिर्च को अवॉइड कीजिए। और यहाँ लिया है मैंने अनियन लीव्स, ये अनियन का लीव्स है, अनियन की भाजी, तो इसे भी मैं ली हूँ। और हमें चाहिए होगा सोडा। तो चलिए हम आटा का आटा तैयार करते हैं भजिया के लिए। तो सबसे पहले मैं आटे में डाल दूंगी ये अनियन की भाजी को। सभी को हम डाल देंगे, और जो हमारा प्याज है, धनिया है, सभी को हम मिक्स कर देंगे एक साथ। ये देखिए, मैं सभी को मिक्स कर देती हूँ, और नमक भी अपने टेस्ट के अनुसार। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो बिल्कुल कम कीजिए, एक या दो हरी मिर्च डालिए और लाल मिर्च को ऐड कीजिए। तो चलिए मैं सभी को डाल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी सामानों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सोडा। सोडा जो है वो ज़्यादा न डाले, बिल्कुल कम डाले चावल के भजिए में, चावल के आटे के भजिए में, क्योंकि सोडा जो है वो सॉफ्ट कर देता है, पर चावल के आटे के भजिए सॉफ्ट में मज़ा नहीं आता, थोड़ा क्रंच होता है तो मज़ा आता है। तो आप सोडा थोड़ा कम ही डालें। तो चलिए इसे मैं गूंथ लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके इसे गूंथ लूँगी, बिल्कुल आराम से ये गूंथ जाता है। तो चलिए मैं गूंथ करके आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना चाहिए होगा, कितना आटा लगाना है हमें भजिए के लिए। देखिए फ्रेंड, मैं आराम से इसे गूंथ रही हूँ, बिल्कुल हमें एक साथ पूरा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है। तो देखिए, अभी बहुत हार्ड है, तो हमें बहुत पतली नहीं चाहिए, इसे थोड़ी सी ठीक चाहिए। ये भी ठीक है, इसमें थोड़ा सा और पानी मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा और पानी मिला करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने आटा गूंथ लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इतना ही हमें चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, बिल्कुल इतना हम बेसन के भजे बनाने के लिए जितना आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा थिक चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी। तो ये देखिए, बिल्कुल इतना ही लगाना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई रख दिया था गैस में गर्म होने के लिए। तो देखिए, तेल गर्म होने ही वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा ऑयल जो गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें डालूंगी मैं पकौड़े। देखिए, हाथ में हल्का सा पानी को लगाना है एकदम, और उसके बाद हमें अपने हाथ में लगाना है ये बैटर, थोड़ा सा बैटर ले लेना है। ये देखिए, और इसे डालना है बस छोटा छोटा। देखिए, जितना भी हमें तेल में आ जाए हम बिल्कुल बस ही डालें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने डाल दिया है सभी पकोड़ों को। अब इसे हमें फ्राई करना है मीडियम आंच पर, मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हाई फ्लेम में अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल जल जाएगा, जल्दी से अच्छे से अंदर से सीख नहीं पाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो चलिए इसे होने देते हैं। इसे फ्राई होने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखिए, बीच में मैंने इसे हल्का सा चला दिया था, क्योंकि भजे जो है वो चिपक जाता है, पकौड़े जो है वो चिपक जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा अलग करने के लिए। तो ये अभी नहीं हुआ है, इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना। चलिए होने देते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल हो गया है, आप इसकी आवाज़ को सुन पा रहे हो, ये बहुत ही क्रंची बना हुआ है, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बाहर निकाल लिया है। चलिए ऐसे ही सारी पकौड़ों को बना करके तैयार कर लेती हूँ। और देख लीजिए कि कैसे डालना है, हमें बिल्कुल छोटा छोटा सा डालना है इसे, बिल्कुल आराम से। चलिए ऐसे ही सारे पकौड़ों को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे ये भी पकौड़े हो गए हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेती हूँ और प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया, कितने टेस्टी हमारे पकौड़े जो है बने हुए। आप आवाज़ से, ये देखिए, आप आवाज़ से पता लगा सकते हो कितना क्रंच होगा, कितना बढ़िया खाने में होगा। तो ये देखिए, मैंने पकौड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। और ये है चटनी, जो सिलपट्टे पे, हमारे गाँव में सिलपट्टा होता है, उसमें तैयार किया हुआ चटनी है। टमाटर, मिर्च और भी सामान डालते हैं इसमें। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो, आपको जानना होगा कि ये चटनी कैसे बनती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको सिलपट्टे पर।
और यहाँ है सॉस, अगर आपको तीखा लगे तो आप ये सॉस के साथ भी खा सकते हो, क्योंकि सॉस के साथ तीखा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। पर ये टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, ये शाम के नाश्ते हाँ शाम के समय खाने में, चाय टी टाइम में बहुत ही अच्छा है, एंड मॉर्निंग नाश्ते में भी आप इसे खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है ये। अगर आपको मेरी आज की ये मेरे चावल की आटे की पकौड़ी की बनाने की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चावल आटे का पकौड़ा आप भी, और शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आपको कैसे लगा।